हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आपका फिर से एक बार स्वागत है। लोग मेरे पास में आते हैं और पूछते रहते हैं कि भाई मुझे यश मिलता नहीं है, और वो देखते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि भाई उसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसकी जवाबदारी है, किसकी जिम्मेवारी है। आपको यदि अच्छा जीवन जीने का है, अच्छे क्वालिटी का, उच्च प्रति का जीवन जीने का है, सक्सेसफुल जीवन जीने का है, तो उसकी जवाबदारी आपको लेनी पड़ेगी, वो जीवन की। लोग क्या करते हैं कि लोग बोलते हैं कि बाकी लोगों में प्रॉब्लम है, वातावरण में प्रॉब्लम है, मार्केट में प्रॉब्लम है, सीजन ठीक नहीं है, हवा पानी ठीक नहीं है, और इसके लिए मेरा लाइफ बराबर चल नहीं रहा है। यदि आपको आपका जीवन जीना है, अच्छी तरह से जीना है, तो एक और एक ही व्यक्ति जवाबदार है, और वो है आप। मैं बोल रहा हूँ वो सत्य नहीं है, आप सोच सकते हैं ये, मगर मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा आप देख सकते होंगे, वहाँ देख के सोच सकते होंगे, तो ज़िंदगी में आपको यश मिलेगा। देखो, कहाँ भी आपको जैसा मन जैसा होता नहीं है, यहाँ कहाँ भी असफलता मिलती है, तो लोग क्या करते हैं, लोगों को दोष देना चालू कर देते हैं। माँ बाप को दोष देंगे, बॉस को दोष देंगे, अपने सहकारी जो उनको दोष देंगे, मीडिया को दोष देंगे, दोस्त को दोष मां दोष देंगे, ग्राहक को देंगे, पति पत्नी, पति अपने पति को, पत्नी पति को दोष देंगे, पैसा नहीं है, टफ मार्केट है, मतलब ऐसा अलग 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 अलग, लक बराबर नहीं है, ऐसे मतलब कहीं ना कहीं दोष देते रहेंगे। जब हम उंगली लोगों के पास में करते हैं ना कि वो जिम्मेदार है, वो जवाबदार है, तो तीन उंगलियां अपनी तरफ है। एक आदमी रास्ते के लाइट के नीचे, स्ट्रीट लैम्प के नीचे चाबी खोज रहा था, दूसरा व्यक्ति उसका दोस्त वहां से जा रहा था, तो इसको चाबी खोजते हुए जब देखा तो उसको पूछा क्या करा, बोले मैं चाबी खोज रहा हूं। वो भी उसको सपोर्ट करने के लिए नीचे झुक के घुटने टेक के चाबी खोज रहा। 1 घंटा होने के बाद में भी उनको चाबी मिली नहीं। जब दूसरे ने पहले को पूछा कि भाई 1 घंटे से हम चाबी ढूंढ रहे हैं, चाबी कहाँ घूमी हुई है, बोले चाबी मेरे घर में घूमी हुई है। बोले घर में चाबी घूमी है तो यहाँ क्यों ढूंढ रहा है, नहीं बोले यहाँ अच्छा प्रकाश है, यहाँ अच्छा लाइट है करके यहाँ ढूंढ रहा हूँ। तो चाबी जहाँ घूम गई है, जहाँ आपने खो दी है, वहाँ चाबी ढूंढना पड़ता है, जहाँ लाइट है वहाँ ढूंढना नहीं पड़ता। तो असामान्य जीवन यदि जीना है तो चाबी कहाँ घूमी है, चाबी यहाँ घूमी हुई है, अपने दिमाग में घूमी हुई है, यहाँ ढूंढो कि मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या जिम्मेवारी मैं नहीं ले रहा हूँ। मतलब वहाँ जब ढूंढने गए भी अपने को दिखेगा ना। एक मेरी परिचित स्त्री मेरे पास में काउंसिलिंग के लिए आई, उसने पहले पति से घटोत्फोट लिया था, डाइवोर्स लिया, तलाक लिया था। बोले नहीं, पति जवाबदार है उसके लिए, वो बराबर ठीक व्यवहार नहीं करता, सासू माँ ठीक व्यवहार नहीं करती, इसके लिए मैंने उनको छोड़ दिया। दूसरी शादी किया तो वहाँ पति शराब पी रहा है, और वहाँ पैसे के लिए बहुत मतलब आंधे है, इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब नहीं है, इसलिए उसने सेकंड जो मैरिज था वहाँ भी तलाक ले लिया। तीसरी शादी किया, तीसरे तो बोले वहाँ का जो मतलब उसका देवर है, उसकी पत्नी वो लोग ठीक नहीं है, उसकी ननन जो है वो भी ठीक नहीं है, और वो लोग बहुत तकलीफ़ देते हैं, और घर का वातावरण ठीक नहीं है, मुझे घर अच्छा नहीं लगता, इसलिए अभी वो तीसरा डाइवोर्स लेने के लिए तैयार थी। जो मेरे पास में, मैंने उसको पूछा कि भाई ये तीनों में कॉमन कौन है, तीनों में कॉमन तो यही व्यक्ति है, बाकी तो सब लोग अलग अलग बदल रहे हैं, देखना कहाँ पड़ेगा, वहाँ नहीं यहाँ देखना पड़ेगा, कॉमन तो व्यक्ति मैं हूँ। तो आपको दो सवाल पूछने पड़ेंगे। एक सवाल है कि आप जो भी आपके लाइफ में हो रहा है उसके लिए किसको दोष दे रहे हो, नंबर 1, और नंबर 2, आप किसके बारे में शिकायत कर रहे हो। यदि आप दोष दे रहे हो, शिकायत कर रहे हो, इसका मतलब उंगली आपकी बाहर है, उंगली यहाँ होना चाहिए। लोग क्या बोलते, नहीं, पति पत्नी में जब झगड़ा होता है या कुछ भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आता है, लोग बोलते नहीं, 50% मेरी जवाबदारी है, 50% तो उसके है ना, मैं जिम्मेदार हूँ, ऐसा कोई जिम्मेदार है ना। मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं चलता, वैसा होता नहीं,
आप 100% 100% जिम्मेवारी लेने को तैयार है क्या, तो ही लाइफ ठीक से चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो आज से एक प्रण कर लो कि लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ होने वाला है, उसके लिए 100% जवाबदारी मेरी है और चाबी यहाँ घुमी हुई है। यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि जीवन में एक ही व्यक्ति को मैं बदल सकता हूँ और वो व्यक्ति है मैं खुद। तो बाकी जहाँ वातावरण में, मार्केट में, इधर उधर उंगलियाँ करने में कोई मतलब नहीं है, और जब आप जिम्मेवारी लेंगे वहाँ खड़े रहेंगे, दिमाग का तनाव ही खत्म हो जाएगा, चिड़चिड़ खत्म हो जाएंगे, इरिटेबिलिटी नहीं रहेगी, चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, लोगों के संबंध ठीक रहेंगे, डिप्रेशन से छुटकारा मिलेगा और मन शांत रहेगा, मतलब किसी भी तरह की मानसिक बीमारी भी नहीं आएगी आपको। मन शांत रहेगा, खुश रहेंगे, वहाँ खड़े रहेंगे कि नहीं भाई ये लाइफ जो है मुझे जीना है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आप लाइफ में लीडर करके खड़े रहेंगे, लाइफ में आप हरदम आगे रहेंगे, मन शांत रहेगा तो सब कुछ शांत है, आपके आसपास में कोई बीमारी, मानसिक बीमारी आएंगी भी नहीं। तो आज से ये चालू करो, जवाबदारी लाइफ की आप लो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा जरूर सब्सक्राइब करो, उसके बाद में जो घंटी आती है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। मेरे वीडियो को आप है ना लाइक करो ताकि मुझे प्रेरणा मिलती है नए नए वीडियो बनाने की। तो जरूर शेयर करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।